गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि ये लॉकडाउन का समय चल रहा है और इस समय में हम स्कूल में उपस्थित नहीं हो सकते हैं, परंतु हम अपनी पढ़ाई को पूरी तरह से कंप्लीट कर सकते हैं, उसको जारी रख सकते हैं। कैसे? ऑनलाइन स्टडी के जरिए। जैसा कि आपको पता है कि हमारी ऑनलाइन स्टडी काफ़ी समय से चल रही है हमारे गुरुदेव बहादुर पब्लिक स्कूल में। हम ऑनलाइन स्टडी के जरिए अपने जो भी प्रकरण हैं, जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी सब्जेक्ट हैं, आपको अधिक से अधिक करवाने की जो है व्यवस्था कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अपने आप को बिजी रखते हुए, पढ़ाई में बिजी रखते हुए अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करेंगे। आपको जो समझ में नहीं आता वो आप अपने टीचर से या प्रिंसिपल सर से कंसल्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि आप लास्ट ईयर सेकेंड क्लास में थे और अब आप थर्ड क्लास में आए हैं, तो थर्ड क्लास में अर्थात नई क्लास में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है सीमा और मैं आपको हिंदी करवाऊंगी। तो आज हम हिंदी व्याकरण का टॉपिक है, जो प्रकरण जिसे हिंदी में बोलते हैं मैं आपको आज संज्ञा करवाऊंगी। स्टूडेंट, संज्ञा क्या होती है, इसके कितने भेद होते हैं, संज्ञा किसे कहा जाता है, यह आज हम अच्छे से इसको समझेंगे। संज्ञा को सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि संज्ञा के इंग्लिश में क्या कहते हैं, नाउन। नाउन अब उसकी परिभाषा क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, वह मैं आपको बताऊंगी। जैसे कि आप सबके सामने ये लिखा हुआ है कि संज्ञा की परिभाषा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। किसी विशेष व्यक्ति का नाम दिया हुआ है, विशेष वस्तु है, विशेष स्थान का नाम दिया जगह का, या विशेष भाव जिसे फीलिंग्स कहते हैं वह दिया हुआ है, तो क्या बोलेंगे, संज्ञा कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा संज्ञा किसे कहते हैं। अब हम समझेंगे कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि संज्ञा के हिंदी में मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं, तो मुख्य रूप से तीन भेद होते हैं। अगर वैसे पूछा जाए कि संज्ञा के कितने भेद हैं, तो पांच भेद होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से तीन भेद होते हैं। वह कौन कौन से हैं, वह आज हम समझेंगे। तो संज्ञा के भेद आप क्या कहेंगे, संज्ञा के भेद। सबसे पहले यहाँ हम हेडिंग लगाएंगे कि संज्ञा के भेद, काइंड ऑफ नाउन। कितने भेद होते हैं, तीन। सबसे पहले कौन सा है, व्यक्ति वाचक संज्ञा। स्टूडेंट्स, आपको व्यक्ति वाचक संज्ञा की परिभाषा सिर्फ समझनी है, नोट नहीं करनी है, इसके उदाहरण से ही आपको समझ जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए व्यक्ति वाचक संज्ञा क्या होती है। संज्ञा का पहला भेद व्यक्तिवाचक संज्ञा, नाम से ही पता चल रहा है व्यक्ति। तो संज्ञा के जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति का पता चले, किसी विशेष वस्तु का पता चले, स्थान का पता चले, तो वह होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का पता चले तो वह होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब हम अगर इसका उदाहरण दें, जैसा कि आप उदाहरण से समझ जाएंगे कि यह तुलसीदास जी है। अब यहाँ तुलसीदास जी, हम कहेंगे कि तुलसीदास के तो नाम के तो काफी व्यक्ति होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो तुलसीदास की शब्द आया है यह हिंदी के महान और मुख्य कवि का नाम है, तो ये पूरी दुनिया में एक ही है, तो इसीलिए इनका नाम यहाँ आया है, यह तुलसीदास जी है। अब इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा शब्द है पूछा जाए तो तुलसीदास जी इसका व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि हम भारत के निवासी हैं, निवासी अर्थात निवास करने वाला, रहने वाला, हम भारत के निवासी हैं। अब यहाँ पर देखिए, अगर भारत के बजाय देश शब्द आता तो देश कोई भी हो सकता है, वह जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण होता, लेकिन यहाँ पर नाम आया है देश का भारत, तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको इतना समझ में आ गया होगा मैं उम्मीद करती हूँ। ये था संज्ञा का हमारा पहला भेद व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब हम संज्ञा का दूसरा भेद करेंगे, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, किसे कहते हैं और उसके क्या उदाहरण है, यह हम समझेंगे। जो दूसरा इसका मुख्य भेद है वह है जातिवाचक संज्ञा। जैसा कि नाम से भी पता चल रहा है, जाति किसी समूह का बोध होना, किसी जाति का बोध होना, किसी शब्द की पूरी जाति का बोध होना, वहां होता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के क्या उदाहरण है, पहले आप इसकी परिभाषा समझिए। जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी, वस्तु, पदार्थ या समुदाय अर्थात समूह है जिसे आप बोलते हैं, समुदाय की पूरी जाति का बोध होता है, वह होती है जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी, पदार्थ या समुदाय की पूरी जाति का बोध होता है, वह होती है जातिवाचक संज्ञा। और जाति तो कोई भी हो सकती है। अब इसके उदाहरण हम देखेंगे, सबसे पहले है गाय, घास, चर,
खास जरूरी है। तो स्टूडेंट्स इसमें जो गाय शब्द है ना वह जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अब आप कहेंगे कि गाय तो एक ही होती है, गाय एक नहीं होती, गाय अलग अलग तरह की होती है, रंग भी इसके अलग अलग होते हैं। जैसे सफेद गाय, यहाँ पर आता कि अगर सफेद गाय घास चर रही है तो सफेद गाय अगर वो आता नाम तो वो व्यक्तिवाचक में होता क्योंकि वो विशेष नाम आया है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ गाय आया है। और गाय की जो जातियाँ हैं, जैसे गाय के नाम भी होते हैं, जैसे राठी गाय है, थार पारकर गाय है, तो इस तरह से अगर नाम आता तो भी वह व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण होता, लेकिन यहाँ पर सिर्फ गाय शब्द आया है तो गाय कोई भी हो सकती है। अगर ये पूरी जाति का बोध करवा रही है तो गाय शब्द आपसे पूछा जाए तो वो किसी आए जातिवाचक संज्ञा। दूसरा है घोड़ा हिंदा रहा, घोड़ा हिंदा रहा, कैसे है यार पूछते हैं ना, घोड़ा हिंदा रहा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स घोड़ा जो शब्द है वह जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। घोड़ा अलग अलग तरह का होता है, सफेद घोड़ा भी होता है, काला घोड़ा भी होता है, भूरा घोड़ा भी होता है, लेकिन यहाँ पर कोई नाम विशेष नहीं है, सिर्फ घोड़ा आया है। अर्थात यहाँ जो ये घोड़ा शब्द है ना यह क्या है, पूरी जाति का बोध करवा रहा है, तो यह जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। स्टूडेंट्स आपको जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण जो है वो अच्छे से समझ में आया मैं उम्मीद करती हूँ। अब हम करेंगे तीसरा, इसका जो मुख्य भेद है वह कौन सा है, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा स्टूडेंट्स भाव, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि भाव अर्थात हमारे मन के विचार या फीलिंग्स। तो स्टूडेंट्स भाववाचक संज्ञा क्या होती है, इसके कितने भेद होते हैं, यह आज हम करेंगे। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण दोष अर्थात उनकी क्वालिटी है या कोई माइनस पॉइंट जिसे हम दोष बोलते हैं, तो गुण दोष या स्थिति या भाव आदि का पता चलता है वह भाववाचक संज्ञा कहलाती है। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण दोष, यानी किसी भी व्यक्ति के गुण दोष भी हो सकते हैं, किसी वस्तु के गुण दोष हो सकते हैं, कोई स्थिति हो सकती है, सिचुएशन जिसे आप बोलते हैं, कोई भाव हो सकता है, तो वे क्या होते हैं, भाववाचक संज्ञा। अब इनके उदाहरण हम देखेंगे उससे हमें भाववाचक संज्ञा समझ में आ जाएगी। जैसा कि मान लीजिए कि रिया और दिया मित्र है, रिया और दिया मित्र है। अब ये जो मित्र शब्द है यानी मित्रता, इन दोनों में क्या है, मित्रता है, दोस्ती है, फ्रेंडशिप है, तो ये जो मित्रता शब्द आता है ना यहाँ पर, यह एक तरह का भाव है। तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है रिया और दिया मित्र है, अर्थात मित्रता का भाव प्रदर्शित हो रहा है, तो वहां पर क्या है, भाववाचक संज्ञा। अब हम स्टूडेंट्स इसका जो दूसरा भेद है वह कहेंगे, जैसा कि अब जैसे कि इसमें भाव आता है तो भाव फीलिंग तो कोई भी हो सकती है, किसी व्यक्ति का गुण दोष भी हो सकता है। तो जैसा कि हमने लिखा कि सीता सुंदर है, यहाँ सुंदर जो शब्द है सुंदरता का बोध हो रहा है, यहाँ पर यहाँ सीता की क्वालिटी बताई जा रही है, गुण बताया जा रहा है कि सीता सुंदर है, तो यहाँ पर जो सुंदर शब्द है ना वह भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। और इसमें जो मित्रता शब्द आया है, मित्र शब्द आया अर्थात मित्रता, तो वह भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि किसी व्यक्ति के गुण दोष, उनकी स्थिति, भाव आदि का पता चले तो वहां पर क्या है, भाववाचक संज्ञा। अब मैंने आपको संज्ञा जो समझाई है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा के मुख्य रूप से तीन भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो स्टूडेंट्स ये थी संज्ञा की परिभाषा और उसके भेद, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इसे अच्छे से समझा होगा। कल हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। थैंक यू।